फोर्थ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, फिफ्थ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एंड सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन करते हैं हम। सिक्स क्वेश्चन में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन एक्स माइनस टू एक्स, फोर साइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन टू प्लस कोस एक्स, ठीक है, फोर साइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स कोस एक्स अपॉन एफ डैश एक्स क्या आएगा, टू प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, टू प्लस कोस एक्स एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो गया फोर कोस एक्स माइनस टू माइनस टू माइनस, इस पे प्रोडक्ट टू लगेगा, माइनस एक्स एज इट इज, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में, माइनस में क्योंकि ये माइनस तो दोनों के लिए था ना, हाँ हाँ कॉस एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में ये है, अब माइनस में, अब न्यूमरेटर वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी, फोर कॉस एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू में, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, अनिरुद्ध को समझ आया, जान क्या बोला अनिरुद्ध ने, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों अंदर, एट कॉस एक्स माइनस में फोर, एट कॉस एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स साइन एक्स, अंकित चलो आप रहने दो, मुझे लगता नहीं आपको ज्यादा समझ आएगा क्योंकि इसमें बीच में आधे क्वेश्चन उस टॉपिक के आ रहे हैं जो आपने नहीं किया हुआ, अच्छा। तो फिर आपका बाद में, आप उसका अपना काम कर लेना पूरा, ठीक है, टू साइन एक्स, ठीक है, टू ये साइन एक्स कहाँ से है, टू एक्स साइन एक्स, टू एक्स साइन एक्स माइनस में टू कॉस एक्स, फिर कॉस वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स, फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स, फिर आएगा माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, ये मेथड ना ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको दूसरे मेथड से करवाता हूँ, बच्चों ये मेथड ज्यादा लंबा हो रहा है, छोड़ दो, दूसरे मेथड से करवाता हूँ, बेटे हो तो जाएगा बेटा, ज्यादा बड़ा हो रहा है, इधर देखो आप, देखो इधर आओ, एफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिखो, फोर साइन एक्स माइनस, यहां से आप एक्स कॉमन लो तो ये बचेगा टू प्लस कॉस एक्स, लास्ट वाली दो टर्म में से कॉमन लो और डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड कर दो, टू प्लस कॉस एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स, ये देख, ठीक है, ये समझ आया, ये स्टेप कैसे हुआ, इससे ही काट दो, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर साइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, ये हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टू प्लस कॉस एक्स, टू प्लस कॉस एक्स इंटू फोर कॉस एक्स हो जाएगा, ये फोर कॉस एक्स माइनस, अब फोर साइन एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस इन टू लगाएंगे तो टू प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स का डेरिवेटिव वन होगा, समझ आया, एफ डैश एक्स ये हो गया बेटे एट कॉस कॉस एक्स प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन टू प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अच्छा तो इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे इसको तो ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में टू प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, और उसको ओपन भी कर देंगे तो हो जाएगा फोर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस
फोर कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बन गया, एट कॉस एक्स, फोर कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा देखो, फोर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स, इसको देखो आप, अगर मैं फोर फोर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि क्या होता है वन। तो ये वन हो गया, तो वन इंटू फोर इंटू वन फोर हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएंगी, फोर हो जाएंगी। माइनस माइनस फोर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस ये प्लस आएगा, माइनस क्या हो जाएगा फोर कॉस एक्स अपॉन में टू प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ये बताओ समझ आया क्या? अनिरुद्ध थक गए बैठे बैठे, एट कॉस एक्स और फोर कॉस एक्स क्या बन गया, फोर कॉस एक्स बन गया। और ये देखो प्लस का फोर और ये माइनस का फोर दोनों कट हो गए, और बचा क्या हमारे पास, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है टू प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां से हम कॉस एक्स कॉमन ले लें, अंदर बचेगा फोर माइनस कॉस एक्स अपॉन में टू प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको पता है? क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना है। अच्छा बच्चों एक बात सुनो, बच्चों देखो बच्चों, फोर माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन के बीच में होती है, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होती है, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस। बच्चा आपके पास आवाज ठीक आ रही है? बच्चों आपके पास आवाज सही से आ रही है? जान आवाज आ रही है? आपकी आवाज कम आ रही है और राजेश सर की ज्यादा आ रही है, क्या बात है? हाँ आप तो आ रही है। तो माइनस वन और कॉस एक्स के बीच में, कॉस एक्स की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में है। अच्छा अब एक बात बताओ, माइनस वन से वन के बीच की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये फोर माइनस कॉस एक्स, फोर माइनस कॉस एक्स, फोर माइनस कॉस एक्स हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, क्यों? इसका आंसर कोई दे सकता है कि फोर माइनस कॉस एक्स जीरो से बड़ा क्यों रहेगा? देखो आपने यहाँ फोर कॉस एक्स को वन डाला तो फोर माइनस वन थ्री आ गया पॉजिटिव, आपने यहाँ माइनस वन डाला तो फोर माइनस माइनस वन फाइव आ गया तो भी पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा ये जो टू प्लस कॉस एक्स है, टू प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर है, टू प्लस कॉस एक्स होल स्क्वेयर है, तो ये तो होल स्क्वेयर है, कॉस की वैल्यू आपने वन डाली तो ये थ्री हो गया, थ्री का स्क्वेयर नाइन, कॉस की वैल्यू माइनस वन डाला तो वन आया, वन का स्क्वेयर वन पॉजिटिव, ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा, ये कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो टू प्लस कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो ओवरऑल जो हमारा एफ डैश एक्स डिपेंड करता है वो कॉस एक्स पे डिपेंड करता है, ओवरऑल जो हमारा कॉस एक्स है, क्योंकि ये दोनों टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है। जो एफ डैश एक्स डिपेंड करता है वो सिर्फ कॉस एक्स पे डिपेंड करता है, राइट? मैं पेज चेंज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। दिस इंप्लाइज जहां पर कॉस एक्स, अब कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो यानी कि अगर हम जीरो से टू पाई के लिए देखें तो कॉस एक्स पहले क्वाड्रेंट में पाई बाय टू तक पॉजिटिव,
फिर पाई बाई टू से पाई नेगेटिव, और फिर पाई बाई पाई से थ्री पाई बाई टू नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव, ऐसे होता है। तो देयरफॉर इसको अगर हम जीरो पुट करते हैं कॉस एक्स को, तो ये पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, राइट। सो पहला एक्स बिलोंगिंग टू जीरो से पाई बाई टू, एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाई टू क्लोज इंटरवल, यूनियन यूनियन थ्री पाई बाई टू 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 पाई, एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, इम्प्लाइज एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इस इंटरवल में एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और दूसरा है, सेकंड पार्ट है कि पाई बाय टू से थ्री वाई बाय टू, एक्स बिलोंगिंग टू पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू, ठीक है। पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू पे क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है बच्चों, ये सब हमें करना था। सेवेंथ क्वेश्चन बच्चों, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। इस इंटरवल का एक्स नॉट इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, और हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसका आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स टू द पावर माइनस फोर। जब x टू द पावर माइनस थ्री का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स टू द पावर माइनस फोर। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स टू द पावर फोर, पुट करें इसको जीरो के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से कितना आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स टू द पावर फोर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स फोर। तो यहाँ से आ गया एक्स सिक्स, थ्री तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का, एक्स सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स सिक्स इज वन बेटा, तो आएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे यहाँ से, ठीक है। वैसे एक जीरो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा यहाँ पर, क्योंकि पहले दिया था कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको छोड़ देंगे, हाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आता, इसीलिए पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। दो क्रिटिकल पॉइंट आए हमारे, अब इन्होंने पूछा है कि ये फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपके दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, लेकिन जीरो आपका पहले से ही यहाँ पर है नहीं, जीरो आपका यहाँ पर है नहीं, जीरो को आपको छोड़ना है, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करो, इस इंटरवल का एक पॉइंट लेंगे, जैसे कि टू लिया, टू को एफ डैश एक्स में डालेंगे तो कितना आएगा, थ्री इंटू टू का स्क्वायर हो गया फोर माइनस थ्री अपॉन टू का समथिंग आएगा, क्या बेटे एट पॉइंट समथिंग आएगा, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है। अब जीरो टू वन के बीच में जैसे कि क्या ले लिया, हाफ ले लिया, थ्री इंटू वन बाई फोर माइनस थ्री अपॉन सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये तो दिख ही रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ भी आप चेक करोगे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, और यहाँ आपको मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो आपका इंटरवल क्या आ गया, इंक्रीजिंग के लिए तो क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, नहीं वन टू इंफिनिटी सीधा नहीं लिख सकते, उसमें जीरो हटाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन इंक्रीजिंग के लिए पूछा है ना,
तो यहाँ से क्लोज आएगा यूनियन वन टू इन्फिनिटी, यहाँ पर कैसा होगा, एक्स बिलोंगिंग टू दिस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इस पार्ट पे एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। सेकेंड एक्स बिलोंगिंग टू कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन एक्सेप्ट जीरो, इस इंटरवल पे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, जीरो वहां से हटा दिया, ठीक है डिक्रीजिंग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन से जीरो यूनियन जीरो से वन, यूनियन जीरो से वन ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको, यहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, जीरो ना इधर इंक्लूड हुआ ना इधर इंक्लूड हुआ। yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, हम पहले नाइन्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में करेंगे। विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, अपना वॉल्यूम फुल किया हुआ है, आप लोगों की आवाज तो फुल वॉल्यूम में भी नहीं आ रही और सर की आवाज आती है तो मेरे कान फोड़ देती है। सर ज्यादा नजदीक बैठे हैं क्या लैपटॉप के? A tank with rectangular base and rectangular side open at the top is constructed so that depth is 2 meter. Iski depth kitni hai? 2 meter. Theek hai? A tank with rectangular base and rectangular side open at the top is to be constructed so that depth is 2 meter and volume is this. Iska bachcho volume kitna hai? Volume iska 8 meter cube diya hua hai. Volume kitna diya hua hai? 8 meter cube diya hua hai. Theek hai? Open at the top. Top se hi open hai. टॉप नहीं है इसमें, इधर से ओपन है। अच्छा बेस रेक्टेंगुलर बेस है तो बेस की साइड ये एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है तो वॉल्यूम हो गया एक्स इंटू वाई इंटू टू, दिस इज इक्वल टू 8, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। एक्स वाई क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। xy is equal to 4. If the building of tank cost rupees 70 per square meter for the base. Base को बनाने का जो expenditure है वो कितना है बच्चों? Base अगर construct किया जाता है, base को बनाने का जो expenditure है that is rupees 70 per square meter, per square meter. और जो walls को बनाने का cost है, walls को बनाने का जो cost है वो कितना है? 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या आएगी? बेस को देखो, एक मीटर स्क्वायर को बनाने की कॉस्ट कितनी है? 70। बेस का एरिया है x इंटू वाई, तो x इंटू वाई एरिया को बनाने की कॉस्ट क्या होगी? 70xy प्लस इसकी चार वॉल, वॉल कितनी, इस वॉल का एरिया बताओ, इस वॉल का एरिया बताओ, इस एयर का वॉल का 2x, और इस वॉल का एरिया कितना होगा? इस वॉल का एरिया होगा 2y, और क्योंकि चार वॉल है उसके लिए क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। हमने दो वॉल का एरिया निकाल के ऐड कर दिया, उसको डबल कर दिया तो चार वॉल का एरिया आ जाएगा। और इसको बनाने की कॉस्ट कितनी है? 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी इनटू 45। ये समझ आया? मैं दोबारा बताऊं, अनिरुद्ध को भी आ गया? ओके, जान की गर्दन हिलाने से पता लगता है कि अनिरुद्ध को समझ आ गया, क्योंकि अनिरुद्ध की तो आवाज ही नहीं आती मेरे पास, घर में भी नहीं आती। अनिरुद्ध खाना वाना खाएगा, थोड़ा सा सर की तरह बोला कर, जैसे राजेश सर बोल रहे हैं जोर जोर से। हाँ चलो देखो जरा, 70xy, 70 इंटू एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस
ये हो जो टू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फोर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 45, 45 फोर जा कितना होता है 90, 180, 45 फोर जा 180 होता है, तो इसको सीधा 180 लिख देते हैं, ठीक है। अब बच्चों हाँ ये 4 इंटू 45 आएगा, 180 हो गया। ओके अब बच्चों यहाँ से हम कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें एक वेरिएबल यहाँ से हटाना पड़ेगा, या तो x या y, y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स, तो c हमारा कितना बन गया 280 प्लस दिस इज व्हाट 180 इनटू x, y की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन x, यहाँ से dc by dx क्या आएगा, dc by dx इतना होगा 280, 280 का तो जीरो हो गया, प्लस में 180 इनटू 1 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा 1 माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर आ जाएगा हमारा जाएगा 4 और x हो जाएगा हमारा 2, माइनस 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि साइड है, साइड नेगेटिव तो होती नहीं है, x माइनस 2 आ गया, ठीक है, x हमारा क्या आ गया माइनस 2। ओके बच्चों अब x माइनस 2 आ गया तो y भी कितना आएगा, ऊपर से देखो जो मेरी फिंगर है क्या अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जान अब अनिरुद्ध को ट्रांसलेट करो, टू होगा ना, हाँ टू लिख दिया ना बेटा, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, अब माइनस टू बोल सकते, माइनस टू नहीं होगा क्योंकि साइड है, साइड माइनस टू नहीं हो सकती, ठीक है, वाई इज इक्वल टू टू, वाई भी टू आ गया, तो मतलब ये एक्स वाई और हाइट सारी बन गई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू टू, तो ये क्या बन गया क्यूब बन गया, जो हमारा स्क्वेयर बॉक्स डायमेंशन वाला बॉक्स था, रेक्टेंगुलर डायमेंशन वाला बॉक्स, वो क्यूब बन गया। चलो अब हमें करना है कि कॉस्ट मिनिमम है, कॉस्ट मिनिमम है तो कॉस्ट का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, डी टू सी, डी टू सी अपॉन डी एक्स टू, 180 इंटू 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 है, पावर आगे आएगी तो माइनस 8 हो जाएगा और x की पावर हो जाएगी माइनस 3, तो ये होगा माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा हमें फाइंड करना है डी टू सी, डी टू सी अपॉन डी एक्स टू, कहाँ पर फाइंड करना है, एट 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 हाँ एक्स वाई इज इक्वल टू टू पे, एट एक्स इज इक्वल टू टू वाई इज इक्वल टू टू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 180, या एक्स इज इक्वल टू टू लिख दो सिर्फ 180, हाँ माइनस 1 आ गया, ये माइनस 1 तो माइनस 180 हो गया, लेस देन 0, कुछ तो गड़बड़ हो गया बच्चों, ये माइनस 4 था, अगर ये हुआ माइनस 2 आया तो प्लस 8 होगा, ये प्लस 8 आएगा, ये माइनस 4 था ना, देखो यहाँ पर हमने हमने सिर्फ डेरिवेटिव करने के लिए लिखा था, फिर बाद में उसको ध्यान नहीं दिया। चलो ये अब प्लस 1 हो गया, प्लस हो गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट इज मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम कम है एट एक्स इज इक्वल टू 2, और एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए वाई भी क्या आया था 2 आया था। अब ये कहते हैं कि मिनिमम कॉस्ट फाइंड करो, कॉस्ट कॉस्ट फाइंड करनी है, मिनिमम कॉस्ट होगी क्या, तो कॉस्ट बच्चों हमारी कितनी थी, कॉस्ट हमारी ये थी, कॉस्ट हमारी ये थी ना, ये हमारी कॉस्ट थी 17 इंटू 4 यानी कि 280 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 180, 180 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स हमारा 2 आ गया, वाई 2 आ गया, तो 4 हो गया, तो कितना हो गया 280 प्लस 720, 1000 रुपये हमारी कॉस्ट हो गई, 1000 रुपये में हमारा टैंक बनेगा इज इक्वल टू रुपीज 1000, 1000 रुपये हमारे टैंक को बनाने में लगेंगे। टेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज के, एक सर्कल है, एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, दिखने में स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा, आज हम टू बी ए स्क्वायर है ना, बियर विद मी, ड्राइंग गंदी है ना बच्चों, सर्कल है, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर गिवन है, पेरीमीटर का सर्कल क्या आया,
एक मिनट रुक जाओ बच्चों, फिर पूछता हूँ। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, और ये क्या है स्क्वायर का पेरीमीटर, मान लो स्क्वायर की साइड a है तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a। इन दोनों का सम दिया हुआ है, 2πr प्लस 4a इज इक्वल टू के दिया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट एरिया इज लेस्ट, एरिया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये उन दोनों के एरिया का सम हो गया। एरिया इज लीस्ट, इसको मिनिमम करना है, ठीक है। अब बताओ बच्चों क्या कह रहे थे। ओके, टू पाई आर प्लस फोर ए इज इक्वल टू के एंड पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हमें ए को हमें मिनिमम करना है। तो ए को मिनिमम करने के लिए ए को डिफरेंशिएट करेंगे, तो या तो हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या ए के रिस्पेक्ट में, दूसरे को पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाँ यस, बेटे वो प्रूव करना होता है, वो लिखना यूज नहीं करना होता, वो प्रूविंग है। हमने पीछे के क्वेश्चन में भी किया ना, देखो पिछले एक्सरसाइज में जब हमने क्वेश्चन किया था कि शो दैट ये सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस, ये प्रूव करना होता है। इस वाले में भी सेमी वर्टिकल एंगल इज दिस, जैसे इसमें लिखा है कि हाइट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू रूट टू टाइम ऑफ रेडियस ऑफ बेस, ये शो करने होते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए। जैसे इसमें लिखा है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, ये प्रूव करना होता है, यू समझे। खरीदे देना इनको, रिप्लेस करने का टाइम आ गया, बूढ़े हो गए ये वाले सर, सुन तो नहीं रहे हैं, बाद में कहीं मुझे बोलेंगे, मेरा नाम मत लेना सर के हेडफोन, सर ये बाबा आदम के जमाने में खरीदे थे, अब इनको बदल दो, ये उनका टाइम गया, आप नए लेके आओ, मेरा नाम मत लेना पर कहीं मुझे मत फंसवा दो। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर सुन तो नहीं रहे कभी, वो वाला कौन हो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दिया हुआ बच्चों, क्या करेंगे एरिया। अच्छा बताओ किसको रिप्लेस करें, या तो हम R को रिप्लेस कर दें या हम A को रिप्लेस कर दें, ठीक है। हम R के बजाय A को रिप्लेस करते हैं, A की वैल्यू कितनी आएगी, K माइनस 2 पाई R अपॉन 4, ठीक है। वैसे किसी को भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। पाई R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, तो K माइनस 2 पाई R का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, फोरकास्ट के लिए 16 पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया करो, वरना मिस्टेक हो जाती है। ये नीचे वाला जो कांस्टेंट आता है ना, इसका स्क्वायर पहले ही लिख लेना बेटर होता है, नहीं तो छूट जाता है स्क्वायर और वो सिंगल 4 ही रह जाता है। देखो बच्चों, यहाँ से डी ए बाई डी आर निकालो, डी ए बाई डी आर कितना होगा, इसका डेरीवेटिव होगा 2 पाई आर 1 बाई 16, इसका डेरीवेटिव कितना होगा, 2 आगे आ जाएगा, के माइनस, रिपोर्ट चल रहा है ना, के माइनस इन टू में माइनस 2 पाई, तो एक टू ये और एक टू ये कट के 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई को हम बाहर ले सकते हैं, पाई को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2r प्लस, प्लस भी क्या, ये माइनस हो गया, माइनस पाई हमारा बाहर चला गया, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, k माइनस 2 पाई r अपॉन में 4, ठीक है, यही बचेगा। पुट कर देंगे इसको 0, पुट डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2r माइनस दिस माइनस के माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 2r, 2r इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, और यहाँ से आ गया 8r इज इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर। अच्छा बच्चों,
एक एडिशनल कंडीशन जो होती है ना, जो बीच में प्रूव करना होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस, वो कंडीशन, ऐसे वाली जो कंडीशन होती है वो यहाँ पर, यहाँ जब फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करके सिंप्लीफाई करते हैं वहां से डायरेक्ट प्रूव हो जाती है। तो इसमें आपको देखो क्या प्रूव करना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर जो भी है ना, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डबल द रेडियस, साइड इज डबल रेडियस। तो इस के को हटा दो यहाँ से, यहाँ पर जो गिवन होता है, जैसे के गिवन था, पेरीमीटर गिवन था, उस गिवन को हटा दो तो वो रिलेशन प्रूव हो जाता है। तो के को हटाने के लिए क्या करेंगे, एट आर इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू थी 2πr प्लस 4a, अच्छा माइनस में यहाँ 2πr है, 2πr, तो 2πr 2πr कैंसिल हो गया, 8r इज इक्वल टू 4a, तो आ गया 2r इज इक्वल टू a, यही तो प्रूव करना था, साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, साइड ऑफ स्क्वायर डबल द रेडियस हो गया, अब सेकंड डेरिवेटिव करो, डी ए अपॉन डी, हाँ अनिरुद्ध क्या बोल रहा है, तो कुछ नहीं बोल, अच्छा 2R, 2 इंटू आर, आर का डेरिवेटिव हो गया 1, माइनस ये हो गया 1/4 इंटू, के का डेरिवेटिव हो गया 0, माइनस इसका हो जाएगा 2π, दिस इज तो के का के नहीं रहेगा, के कांस्टेंट है बेटा, के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो फिर ऊपर हमने के का के ही लिखा ऊपर वाले में, तो सोच क्या था हमने, नहीं ऊपर वाले में यहाँ पावर आ गया, आगे पावर एक कम होगी, इसका तो डेरिवेटिव, जिसके नीचे मैंने डबल लाइन लगाई उसका तो डेरिवेटिव ही नहीं हुआ, आगे किया था इसका डेरिवेटिव, तो आगे हो गया 0 माइनस 2π, ये का 0 हुआ था यहाँ भी, तो बच्चों ये हो गया पाई इंटू 2 माइनस, इसको इससे काट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है प्लस, ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2 बन जाएगा, पाई अपॉन 2, अभी देखो सब कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एरिया इज मिनिमम, एरिया इज मिनिमम, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। और साइड ऑफ स्क्वायर डबल करना था वो हम पहले ही कर चुके हैं, यहाँ पर दो चीजें प्रूव करने की, इलेवंथ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, विंडो किस फॉर्म में बच्चों, रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में विंडो है और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग बनी हुई है, पुराने घरों में आपने देखा होगा ऐसे बना होता था, आजकल नहीं बनता है, विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ, आउटर बाउंड्री की लेंथ कितनी है 10 मीटर, ठीक है, एक मिनट अनिरुद्ध ज्यादा जल्दी कर देते हो, क्या नाम था, ठीक है देखो जरा बच्चों ध्यान दो, इस सर्कल का रेडियस ले लो आर, जो ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है उसका रेडियस आर ले लो, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2r, इसको ले लो x, ठीक है, ये वाली सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई, सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तो ये हो जाएगी πr, अब बताओ इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 10, तो 10 किसके बराबर होगा बोलो, πr प्लस 2r प्लस 2x, बच्चों ये जो साइड है ये पेरीमीटर में काउंट नहीं होगी, पेरीमीटर सिर्फ आउटर बाउंड्री की लेंथ होता है, तो ये वाली साइड जिस पे मैंने ये टिक लगाए हैं ये पेरीमीटर में काउंट मत करना, तो सिर्फ ये वाली साइड काउंट होगी, 1, 2, 3 और ये 4, समझ गए, अच्छा अब ये कहता है कि फाइंड मैक्सिमम लाइट इससे पास करनी चाहिए, टोटल पेरीमीटर विंडो इज 10 मीटर, फाइंड डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू इट बाय ऑल ओपनिंग, जब इसको पूरा खोला जाए तो इसके अंदर से मैक्सिमम लाइट पास करनी चाहिए, जब इसको पूरा ओपन किया जाए तो इसके अंदर से लाइट पास करनी चाहिए, मैक्सिमम लाइट पास करनी चाहिए, मैक्सिमम लाइट तो पास बच्चों तभी करेगी जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा, तो हम इसके एरिया को मैक्सिमम शो करेंगे, ठीक है एरिया लिख लेते हैं, एरिया क्या होगा, एरिया के अंदर ये रेक्टेंगुलर पार्ट है इसका एरिया, तो ये रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया हो गया 2 आर एक्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इंटू में
सर्कुलर पार्ट का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया को मैक्सिमम करना है तो डिफरेंशिएट करेंगे, या तो हम एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में या आर के रिस्पेक्ट में, उससे पहले दूसरे वाले को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लें, या तो आर की निकाल लो या एक्स की निकाल लो, है ना। एक्स की वैल्यू ज्यादा इजी है, तो टेन माइनस पाई आर माइनस टू आर अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स, ये आएगा। ठीक है, हाँ आर के डालोगे तो यहाँ फिर स्क्वेयर आएगा, तो उससे दिक्कत आएगी, क्योंकि एक्स ही बेटर है। ओके, तो टू आर एक्स, टू आर इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टेन माइनस पाई आर माइनस टू आर अपॉन में टू, ये तो एक्स की वैल्यू डाल दी, प्लस में ये कितना है, टू को तो काट सकते हो, काटेंगे पाई आर स्क्वेयर अपॉन टू, काट दो इतना मन है, दो लोग काट दिया। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, अब आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा टेन आर माइनस पाई आर स्क्वेयर माइनस टू आर स्क्वेयर टू, प्लस में वन अपॉन टू पाई आर स्क्वेयर। अब इसका डेरिवेटिव कर दो, डी अपॉन डी आर, टेन आर का डेरिवेटिव होगा टेन माइनस, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ वन बाई टू है, पाई है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव जाएगा टू आर, ये कट हो गया, बचा क्या, ये तो टेन बच गया, माइनस टू पाई आर, टू पाई आर माइनस फोर आर, और ये कितना है, प्लस पाई आर, ये आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं जीरो। ठीक है, माइनस फोर आर नहीं लिखा माइनस का पाई आर बचा, माइनस पाई आर माइनस फोर आर माइनस फोर आर, ये हो गया। ठीक है, टेन आर माइनस पाई आर माइनस फोर आर, तो हमारा डी अपॉन डी आर क्या आ गया, डी अपॉन डी आर 10 माइनस पाई आर माइनस 4 आर, 10 माइनस पाई आर माइनस 4 आर, ये आ गया 10 माइनस पाई आर माइनस 4 आर इक्वल टू जीरो। इसको जीरो पुट कर दें, डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू जीरो, तो n इज इक्वल टू पाई प्लस में 4 इंटू आर कर देते हैं, आर आ गया 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, डी टू ए अपॉन डी एक्स टू जीरो माइनस कितना हो जाएगा, टेन का जीरो माइनस का पाई माइनस का फोर, तो ये आ गया माइनस ऑफ पाई प्लस फोर लेस देन जीरो, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चलो आगे, मैक्सिमम होगा। अच्छा, हमने आर निकाल दिया और हमारा वो कितना था, एक्स कितना था, एक्स था हमारा टेन माइनस पाई आर माइनस टू आर, नहीं 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 एरिया हमारा वो कितना था, एक्स था हमारा टेन माइनस पाई आर माइनस टू आर, टेन माइनस पाई आर माइनस टू आर अपॉन टू, ये हमारा एक्स था, एक्स कितना आ जाएगा, टेन माइनस पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है, टेन माइनस पाई, आर की वैल्यू कितनी है हमारी, टेन अपॉन फोर प्लस पाई माइनस टू, टेन अपॉन फोर प्लस पाई,